वेलकम बैक, आपका इस्तकबाल है। आज मैं आपको हिबिस्कस का एक ऐसा पौधा बनाना सिखाऊंगा जिसे आपने बना लिया तो लोग देखते ही रह जाएंगे। और मैं इस वीडियो में छोटा सा अपडेट भी दूंगा, इसलिए पूरा आखिर तक देखिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। जो मैं पौधा बनाने की बात कर रहा हूँ उसका लुक कुछ इस तरह का होगा, लेकिन उसमें फर्क यह होगा कि इस पौधे में, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सिर्फ येलो रंग के फ्लावर हैं, लेकिन जो मैं पौधा बनाऊंगा उसमें 5-6 अलग अलग कलर के फ्लावर आएंगे। फ्लावर अलग अलग कलर का होगा, लेकिन प्लांट का लुक इसी टाइप का होगा। मैं जो बनाना चाहता हूँ उसका मैं पिक्चर नहीं दिखला सकता हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने उस प्लांट को देखा नहीं हूँ। शायद ही उस पौधे को किसी ने बनाया होगा। मैंने जब इस पौधे को देखा था तब मैंने उस पौधे को बनाने का सोचा, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना मैं इस एक ही प्लांट पर, लुक तो ऐसा ही हो लेकिन इसमें जो एक ही कलर के फ्लावर आ रहे हैं वो एक कलर के ना के 2-3 कलर के फ्लावर आए। अगर 2-3 कलर के फूल आएंगे तो काफ़ी खूबसूरत दिखेगा। जैसा अगर आप भी इस चीज़ में दिलचस्पी रखते हैं तो इसे आखिर तक देखिएगा, बीच में किस कहीं पर स्किप मत कीजिएगा। ऐसे प्लांट को बनाने के लिए सबसे पहले आप हिबिस्कस की कटिंग को ग्रो कीजिए, और जब वो कटिंग में से ब्रांचेस निकल जाए तो सिर्फ 2 ब्रांच को ऊपर की तरफ बढ़ने दीजिए, और उन ब्रांच में जो भी फूल आए उसे तोड़कर हटा दीजिए, सिर्फ उसकी ब्रांचेस को बढ़ने दीजिए। और जब वो ब्रांच 2 से 2.5 फीट की हो जाए तब उसकी टिप यानी सिरे को काटकर हटा दीजिए। जब ऐसा करेंगे तो उनमें से बहुत सारी साइड ब्रांचेस निकलेगी, लेकिन हमें इस टाइप के नहीं बनाना है, तो हम इसकी ब्रांचेस को अब काट देंगे। तो पहले मैं इनकी ब्रांचेस को काट देता हूं, और ब्रांचेस को काट देने के बाद इन पर ग्राफ्टिंग करनी है। तो पहले मैं ब्रांचेस को काट देता हूँ और कुछ पर ग्राफ्टिंग कर देता हूँ, और उसके बाद बताता हूँ कि ग्राफ्टिंग कैसे की जाती है। आपको मैं पूरा प्रैक्टिकल करके दिखलाऊंगा। सबसे पहले ग्राफ्टिंग के लिए एक नीट एंड क्लीन चाकू या फिर ब्लेड चाहिए, और प्लास्टिक की लचीली पन्नी चाहिए, और ढकने के लिए एक प्लास्टिक चाहिए। चाकू को रबिन अल्कोहल या हाइड्रोजन परऑक्साइड या फिर डेटॉल से साफ कर लें। तो अब आती है बात ग्राफ्टिंग की। तो ग्राफ्टिंग के लिए हर ब्रांच पर अलग अलग कलर की ग्राफ्टिंग कर दीजिए, लेकिन जो इसका मेन ब्रांच है उसे बढ़ने नहीं देना है, सिर्फ ग्राफ्टिंग की गई ब्रांच को ही बढ़ने देना है। अब इस पर ग्राफ्टिंग करना है, तो ग्राफ्टिंग करने में इस बात को ध्यान देना है कि हम जिस ब्रांच पर ग्राफ्टिंग कर रहे हैं और जिस ब्रांच को ग्राफ्टिंग कर रहे हैं उन दोनों की मोटाई सेम होनी चाहिए। अगर सेम होगी तभी ग्राफ्टिंग सक्सेस होगी। अगर आप इस विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस विधि को वी ग्राफ्टिंग कहते हैं। ग्राफ्टिंग करने के लिए ऐसी ब्रांच लेना है जो बिल्कुल हरी ना हो, यानी कि बिल्कुल नई ब्रांच ना हो। अगर आप फरवरी मार्च में ग्राफ्टिंग कर रहे हैं तब इसकी ब्रांचेस पर आपको छोटे छोटे ब्रांच निकले हुए दिखेंगे, तो उन ब्रांच को काट कर हटा देना है, उन्हें तोड़ना नहीं है, और पत्तों को भी तोड़ना नहीं है, बल्कि उसे किसी चीज से काट देना है, हाथों से तोड़ना नहीं है। अब ब्रांच पर इस टाइप से करना है, और इस बात का ख्याल रखना है कि वो सीधी सपाट होनी चाहिए, ऊबर खाबर कटाई नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल प्लेन होनी चाहिए। अब ब्रांच पर बीचों बीच एक चीरा लगाना है, और उसमें ब्रांच को दाखिल करके बांध देना है, और बांधना बिल्कुल टाइट है कि वो हिले डुले नहीं, अपनी जगह पर फिक्स हो जाए।
ग्राफ्टिंग को इस टाइप से प्लास्टिक की पन्नी से ढक देना है और इसे ऐसी जगह पर रखना है जहां पर सिर्फ मॉर्निंग और इवनिंग की सनलाइट आती हो और ह्यूमिडिटी भी हो। इसलिए बेहतर है कि आप इसे किसी बड़े पौधों के नीचे रख दें या आसपास इसी हाइट के कुछ पौधे हो, लेकिन उन पौधों के ब्रांचेस इस ग्राफ्टिंग की गई एरिया पर नहीं क्रॉस करनी चाहिए। अगर क्रॉस करेगी तो हवा चलने की वजह से वो हिल सकती है और ग्राफ्टिंग एरिया जब हिल जाएगा तो ग्राफ्टिंग फेल हो जाएगी। तो ये रहा उस पौधे का अपडेट। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बहुत सारी ग्राफ्टिंग सक्सेस हो चुकी है, लेकिन अभी मई का महीना चल रहा है और इस महीने में इसे संभालना बेहद मुश्किल है। इसकी ग्रोथ काफी धीमी है और ये इसकी ग्रोथ धीमी इसलिए है कि मैंने इस पौधे को ऐसी जगह पर रखा है जहां पर सिर्फ 1-2 घंटे की सनलाइट आती है। अगर मैं इसे फुल डे की सनलाइट में रख दूंगा तब इस सूरत में इसका ग्राफ्टिंग हिस्सा सूख सकता है और जब मैं इसे कम सनलाइट दूंगा तब इस सूरत में इस पौधे की ग्रोथ कम होगी। खैर कोई बात नहीं, इसकी ग्रोथ कम हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब धीरे धीरे ये ग्राफ्टिंग पक्का हो जाएगा और मई जून का महीना खत्म हो जाएगा तब मैं इसे फुल डे की सनलाइट में रख दूंगा और इसकी ग्रोथ हो जाएगी। इस साल मैं इस प्लांट में फ्लावर को आने नहीं दूंगा, जो भी फ्लावर आएंगे उसे काट कर हटा दूंगा और ये करना पौधों की ग्रोथ के लिए और उसके शेप के लिए बेहद जरूरी है। जब मैं फूलों को खिलने नहीं दूंगा तब इस प्लांट की ग्रोथ होगी और जब मैं ब्रांचेस को काटूंगा तब ये पौधा बुशी बनेगा और हर ग्राफ्टिंग हिस्से से बहुत सारी ब्रांचेस निकलेगी जिस वजह से इस पौधे का लुक बेहद खूबसूरत बन जाएगा। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है, इसका जो मेन पौधा है उसकी ब्रांचेस को बढ़ने नहीं देना है, नहीं तो इसका ग्राफ्टिंग जो ब्रांच है उसकी ग्रोथ नहीं होगी। सिर्फ ग्राफ्टिंग ब्रांच को ही बढ़ने देना है और इसका जो मेन पौधे की जो भी ब्रांचेस निकलेगी उसे काट कर हटा देना है, तभी यह पौधा अपने लुक में आ पाएगा। अगर आप भी ऐसा पौधा बनाना चाहते हैं तब आप इस सूरत में इसकी ग्राफ्टिंग या तो फरवरी के महीने में कीजिए या तो मार्च के महीने में कीजिए, लेकिन सबसे बेस्ट रिजल्ट फरवरी के महीने में मिलते हैं। मैंने भी फरवरी और मार्च में ग्राफ्टिंग इसकी की थी, लेकिन जो ग्राफ्टिंग फरवरी में किया गया था उसमें काफ़ी बेहतर रिजल्ट मिले और जो मार्च में किया गया उसमें थोड़े कम और जो अप्रैल में है उसमें बहुत कम रिजल्ट मिले। अगर आपने फरवरी के महीने में इसकी ग्राफ्टिंग नहीं किया है तब आपको दूसरा सीजन मिलता है बरसात का महीना। इस पौधे को आप बरसात के महीने में भी बना सकते हैं, या तो आप फरवरी में बनाइए या तो फिर बरसात के महीने में। मई जून के महीने में ट्राई मत कीजिएगा, आपको रिजल्ट काफी बेकार मिलेंगे। मई जून के महीने में ग्राफ्टिंग के चांसेस बहुत कम रहते हैं, हर 10 ग्राफ्टिंग में से एक या दो ग्राफ्टिंग सक्सेस हो पाती है और उसके भी चांसेस कम रहते हैं। सबसे बेस्ट है फरवरी का महीना और उसके बाद मार्च का महीना या फिर बारिश का महीना। अगर आप ऐसा पौधा बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले याद रखिएगा ग्राफ्टिंग आपको फरवरी या मार्च के महीने में करना है या फिर बरसात के महीने में करना है, और ग्राफ्टिंग सक्सेस हो जाने के बाद इसकी जो मेन प्लांट है उसमें से कोई ब्रांचेस को निकलने नहीं देना है, सिर्फ ग्राफ्टिंग वाली ब्रांच को ही बढ़ने देना है। और कोशिश कीजिए कि कुछ महीने तक पौधे में से फ्लावर हासिल नहीं किया जाए, जो भी फ्लावर बड्स लगे उन्हें काट कर हटा दिया जाए और उसकी ब्रांचेस को काटा जाए जिससे मल्टीपल ब्रांचेस निकलेगी, और जब मल्टीपल ब्रांचेस निकलेगी
तब यह पौधा अपने असल रूप में आ पाएगा। उम्मीद है सारी जानकारी मिल गई होगी।